बुधवार को हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कई पदाधिकारी निष्क्रिय थे, इसीलिए संगठन की मजबूती के लिए कार्यकारिणी को भंग करना जरूरी हो गया था। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सिफारिश की थी कि कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाए। विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन में जुड़े कई पदाधिकारी, कई नेता निष्क्रिय रहे, चुनाव में काम नहीं किया, तब निष्क्रिय नेताओं को बाहर करने की जरूरत महसूस की गई। मजबूत संगठन बनाकर अगले चुनाव की तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन में अब काम करने वाले सक्रिय नेता शामिल किए जाएंगे, इसे लेकर वे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और हाईकमान को नाम सुझाए जाएंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी और संगठन में दोनों जगह नेताओं को तैनाती नहीं दी जानी चाहिए, इसे लेकर वे पहले भी कई बार बात कर चुकी है। उन्होंने कहा कि वे खुद वन मैन वन पोस्ट की हिमायती है, लिहाजा नई कार्यकारिणी के गठन के वक्त इसका ध्यान रखा जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नई कार्यकारिणी में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हमने ही ये रिक्वेस्ट की थी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, हमने तीनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हमारी पिछली कार्यकारिणी भंग की जाए ताकि हम नए संगठन का में अच्छे लोगों को जोड़ें, जो कि वरिष्ठ लोग भी हैं, उनको उनका जुड़ाव होना, उनका उनको भी हम कॉन्फिडेंस में देंगे और अच्छी तरीके से इस संगठन को मजबूत करने की बात मैंने हाईकमांड से की थी। मैं खड़गे जी का, हमारे वेणुगोपाल जी का और शुक्ला जी की आभारी हूँ कि उन्होंने इस पर गौर किया और अंततः ये फैसला लिया। हम चाहते हैं कि नए संगठन को हम और मजबूती लाए, इसमें हमारे ट्राइब के लोग, उनका जोड़ना भी बहुत आवश्यक है, ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं हैं, यूथ है और सभी अनुसूचित जाति के लोग, इनका भी कार्यकारिणी में होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि अब नए तरीके से इसका गठन किया जाएगा और जो आने वाले समय में हमारे पास ऐसा संगठन मजबूत बनकर तैयार हो ताकि हम अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी आज से करनी शुरू करें। नहीं नहीं, ये कारण तो नहीं था, जिनको जिम्मेवारी दी गई वो सभी फील्ड में काम कर रहे थे और अपना अपना काम सभी ने किया है, पर फिर भी इसमें और मजबूती लाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने पिछले विधानसभा में जो संगठन में स्थान चाहते थे उन लोगों को तवज्जो दी, उनको भी संगठन में जोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से कार्यकारिणी बहुत बड़ी बन गई थी। अब हम चाहते हैं कि कुछ जो निष्क्रिय लोग हैं, जो पार्टी में ना अपना योगदान नहीं दे रहे, उनकी जगह हम ऐसे लोगों को लाए जो अपना समय भी दे और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात फील्ड में काम करें। देखिए, कोई गुटबाजी की बात नहीं है, कोई गुटबाजी की बात नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, बल्कि हमने जॉइंट लेटर दी है हाईकमांड को कि इसको भंग किया जाए ताकि हम नए सिरे से इसमें बनाए। इसमें उप मुख्यमंत्री जी की भी सहमति थी और हमारे वरिष्ठ लोग हैं, ठाकुर कौल सिंह जी है, ठाकुर रामलाल जी है, इनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेंगे और जैसा जैसा ये सुझाव देंगे, जिनको चाहेंगे कि ये लोग फील्ड में काम करते नजर आए, उनको तवज्जो दी जाए, तो उनको भी हम पार्टी में अच्छे अहदे दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी सक्रिय होकर पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करें। ये बात तो मैंने कई बार उठाई है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री एक CLP में मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी, क्योंकि वहाँ पर सभी वरिष्ठ लोग थे जो सरकार के पद पे भी है और संगठन के पद भी उनके पास है, तो मैंने सभी से आग्रह किया था कि अब आप सरकार में आ गए हैं तो अपना पद आप छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का नाम सुझाव दें ताकि हम उनको आगे लाकर और वो रात दिन पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। इसलिए मैंने ही आग्रह किया था और उसमें सबकी सहमति बनी। अब सभी जो वरिष्ठ लोग हैं वो एकजुट होकर इसमें संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे।